गुंडा चौक से थोड़ी आगे आने पर आपको ये प्लेस इन्फॉर्मेशन प्लेट मिलेगा। ये भी एक पिकनिक स्पॉट के लिए रास्ता है, लेकिन हमको वहाँ से सीधा आगे जाना पड़ेगा। ये है पाताड़ी क्षेत्र का वेलकम गेट। वेलकम। जय जगन्नाथ। आई एम प्रदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए वन विजिट। टुडेज टारगेट इज टू एक्सप्लोर पाताड़ी क्षेत्र, व्हिच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ सोनपुर, व्हिच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ सुवर्णपुर। लेट अस स्टार्ट द ब्लॉग।
सीट अच्छी इपटे गल पाताली से कितने जाने के लिए की रास्ता हुई है। हाँ ठीक है चलो चलो वही रास्ता पे हमको गुफा तक जाना पड़ेगा। वो भी जा रहा बहुत सारा रस्सी भी बंधा हुए इसके सहारे हमको ऊपर जाना पड़ेगा गुम्फा की तरफ। जय जगन्नाथ। मेरा साथ अमन है वो जल्दी जल्दी ऊपर उठ जाता है, मैंने धीरे धीरे जाता हूँ। पीछे से हम आ रहे हैं, इतना ऊपर आ चुके हैं। ये है चित्रकूट पर्वत, अभी आप देख रहे हो।
और जानने के लिए हिम्मत नहीं होता है, फिर भी जाना पड़ेगा। गर्मी का मौसम है, हार्ट बीट ज़्यादा तेज हो जाता है, पसीना भी निकलता है बहुत ज़ोर से। आगे बढ़ते हैं। जय जगन्नाथ प्रभु, हमको ऊपर ले चले। ଆଉ କେତେ ଦୂର ଅଛି? ଅଧା ହେଇଗଲା। ଉଫ୍, ବହୁତ ନିଚେ ସମୟ। ଅଧା ରାସ୍ତା ତ ହମ୍ ପହଞ୍ଚ ଗଏ। ଜ୍ୟାଦା ପ୍ୟାସ ଲାଗି ହେ, ଇସିଲିଏ ଥୋଡ଼ା ପାନି ପିଇ ଲେତା ହୁଁ, ଥୋଡ଼ା ବି ବେଠ ଯାତା ହୁଁ। ୱହାଁ ସେ ଉଠନେ କେ ବାଦ ଫିର ଉପର ଯାଏଁଗେ।
अब थोड़ी ही देर में हम पातालीसी क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। ऊपर से कुछ साउंड आ रहा है, जैसे ढोलक वोलक कुछ बज रहा है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता है, हम खाली खाली आने से इतना तकलीफ़ को झेलना पड़ता है। जब भगवान को प्रतिमाएं को भक्तों लोग वहाँ से उठा के लाते होंगे, उन्होंने कितना तकलीफ़ कितना कष्ट के सामने करना पड़ता, उन्हीं लोगों को पता होगा। भगवान के भक्त लोग हैं, इसीलिए वो भगवान को वहाँ से ला के छुपा सकते। हम लोग खाली खाली तो आने से इतना तकलीफ होता है कि बात नहीं कर पाता हूँ। देखते हैं, आगे बढ़े। और कितना दूर है पता नहीं चलता है।
पहले से आपको बोल दिया था कि भक्त लोग भगवान की प्रतिमा को वहाँ लाके छुपा के रखे थे, लेकिन अब मेरे को लगता है भक्त लोग को उनको नहीं लाए थे, भक्त लोग को भगवान स्वयं वहाँ आने के लिए बोले थे और भगवान स्वयं वहाँ आए थे भक्त के सहारे। इतना टॉप पर भक्त लोग को वहाँ लाने से भगवान का प्रतिमा बहुत तकलीफ होगा, इसलिए भगवान स्वयं वहाँ आके पहुँचे थे। चलो चलते हैं नीचे सीढ़ी के जरिए। उस टाइम तो वहाँ पे सीढ़ी वीढ़ी का कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन भगवान कैसे उस जगह पे पहुँचे ये भी बहुत ताजुब बात है। हम नीचे उतरते हैं सीढ़ी के जरिए। अब डेस्टिनेशन पूरा सामने है, हम पहुँचने वाले हैं 2-3 मिनट के अंदर। चलते हैं। हे भगवान, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ पहुँच गए। हाँ हाँ वो तो गुंफा के अंदर ही रहते हैं। अमर नीचे पहुंच गया पहले से, उन्होंने बताया कि वहाँ पर चमगिदड़ बहुत सारे हैं। मैंने बोला कि गुंफा के अंदर वो सब रहते हैं, उन लोगों का घर है वो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ये है श्री श्री जगन्नाथ गुम्फा दारुकोण। इसका गेट दिया है, इसको खोल के हम अंदर जाते हैं।
पूरा गुम्फा का बाहर व्यू और ये है गुम्फा का पूरा अंदर व्यू। वो पत्थर कितना ठंडा, बर्फ जैसे लगता है, पूरा ठंडा ठंडा पत्थर। एकदम ठंडा लगता है वो गुफा। गुम्फा थिला ना? हाँ इके कोला एडा ना एटा आगुरु थिला गुम्फा, एटा त से ठाकुर गोटे छुपेक रखे पई जगाटा ए हिजे दम भक्त माने। हाँ भक्त माने नहीं आसते ठीक है। जय जगन्नाथ। आई एम प्रदीप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए वन विजिट। टुडेज टारगेट इज टू एक्सप्लोर पाताल श्रीक्षेत्र जो कि सोनपुर जिला का वीर महाराजपुर सब डिविजन और गांव का नाम है कोटसमलई श्रीक्षेत्र है, वो कोटसमलई गांव का है लेकिन ब्लॉक इसका वीर महाराजपुर डिस्ट्रिक्ट सोनपुर यानी सुवर्णपुर। तो हमने उस गुम्फा के अंदर अभी आके पहुंच गए, बहुत तकलीफ हुआ। इतना गर्मी के मौसम में हम लोग आए हैं तो पहाड़ के ऊपर, वो जो पहाड़ है इसका नाम है चित्रकूट पहाड़, चित्रकूट पहाड़ को क्रॉस करके फिर नीचे उतरना पड़ेगा। एक जो लोहा का सीढ़ी बना हुआ है वो सीढ़ी के जरिए हम लोग को गुम्फा के अंदर आए। वो दारुकोण गुम्फा, हमारा उड़ीसा हर जगह हर मंदिर सब में जगन्नाथ संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भक्तबाहु एक जो सोहनदेव का राजत्व समय, जो सोहनदेव उस टाइम वो उड़ीसा का शासन करते थे, उसी टाइम भक्तबाहु जगन्नाथ मंदिर ऊपर बहुत सारा आक्रमण, बहुत बार आक्रमण किया। इस भक्तबाहु के आक्रमण से बचाने के लिए भक्त लोग जगन्नाथ माँ सुभद्रा और भाई बलभद्र का विग्रह को वहाँ से छुपा के ले आया। आके उन्होंने पहुँच गया चित्रकूट पर्वत के पास, तो उस टाइम सारा मुसीबत को सामना करके उन्होंने लाए थे पर्वत के पहले से। जब वो तीन में चतुर्थामूर्ति को वहाँ से लाए तो उन्होंने एक खुला मंडप पर रख के उन लोगों को पूजा का काम एक खुला मंडप पे होया करता था। उस टाइम उन्होंने 45 ईयर्स ऐसे ही बाहर खुला मंडप पे उन लोग का पूजा किया। बाद में फिर 99 ईयर्स उन्होंने वही चित्रकूट पर्वत के ऊपर एक गुम्फा के अंदर ले आया। अभी जो गुम्फा में हम लोग बैठे हैं इसी गुम्फा के अंदर उन्होंने ला के उसका अंदर भगवान का मूर्ति को, भगवान का प्रतिमा को अंदर ही छुपा दिया। छुपाने के बाद वो जो खुला है उसका द्वार में एक बड़ा सा पत्थर को ढकेल दिया। ढकेलने के बाद उस जगह का पता चलेगा या नहीं चलेगा, उन्होंने के बरगद का पेड़ को उधर बो दिए थे, वो बाद में एक बड़ा बरगद बन गया। जब जजाति केसरी के टाइम 144 वर्ष उन्होंने भगवान को अंदर ही रख दिया, सामने का द्वार भी हम उन्होंने एक बड़ा पत्थर ढकेल दिए थे, भगवान अंदर होके 144 वर्ष वो अंदर में ही रहे। बाद में जब जजाति केसरी का शासन आया उन्होंने इसी गिरिगृह से भगवान का सब मूर्ति को वहाँ से लेके उन्होंने फिर ब्रह्म स्थापित करके फिर पूरी मंदिर में उन मूर्तियों को सब रख के फिर पूजा का चालू हुआ जगन्नाथ मंदिर पूरी से। तो उसी जगह का विशिष्टता वही था। तो हमने बहुत कोशिश किया कि वहाँ पहुँचने के लिए, अभी उसके बारे में और क्या बोलूँ। भगवान और भक्त का मिलन तो ऐसे ही होता है, उन भगवान के जरिए, भक्त के जरिए भगवान सभी जगह पहुंच जाते हैं। मेरे को तो विश्वास नहीं होता कि यहाँ आके भगवान का इतना बड़ा बड़ा जो प्रतिमाएं है उन्होंने कैसे लाए। रास्ता में हम लोग खाली खाली आए, एक बोतल पानी लेके आए, रास्ता में हमारा 2-3 बार बैठा, बैठने के बाद फिर उठ के फिर चल के आ गया है। लेकिन हम लोग को ये विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा बड़ा प्रतिमाएं उन्होंने कैसे लाया होगा। बाद में मेरे मन में ये आता है कि भगवान का मूर्ति उन्होंने भक्त लोग नहीं लाए थे, भगवान अपने अपने भक्त के जरिए से वहाँ आए थे, ताकि उन्होंने वहाँ तक इतना तकलीफ को झेल के भगवान का प्रतिमा को वहाँ लाने ला के वहाँ रखे
और छुपाने के वो सक्सेस हो गए। दिस इज द टाइम टू एंड दिस कंटेंट। इफ यू आर न्यू इन माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। मीट यू इन अनदर न्यू ब्लॉग। टिल देन बाय बाय।